गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियों में ठंडा ठंडा जूस पीने का बहुत ही मजा आता है तो मैं गई थी कल मार्केट और मार्केट में मुझे दिख गए तरबूज तो मैं लेके आ गई और आज हम बनाएंगे तरबूज का जूस वैसे तो किसी भी फ्रूट का जूस निकालने में बहुत ही मेहनत लगती है फ्रूट को काटो उसको छीलो उसके सीड्स निकालो फिर उसको डालो जूसर में तभी जाके आपको मिलता है फ्रेश जूस लेकिन आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ उससे जो तरबूज का जूस है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा फटाफट से निकल जाएगा आपके बर्तन भी इतने ख़राब नहीं होंगे इसमें ना ही आपको कोई जूसर की ज़रूरत है ना ही उसे छिलना है ना ही उसके सीड्स निकालने हैं बस उसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है तो ये देखिए तरबूज को मैंने इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ उससे आपका टाइम बहुत बचने वाला है और आपको एकदम फ्रेश जूस फटाफट से मिल जाएगा अगर आपके घर कोई गेस्ट आ गए तो फटाफट से आप इस तरह जूस बना के उनको पिला सकते हो तो चलिए तरबूज को मैंने अच्छे से काट लिया है और अब ले लेंगे एक बर्तन और उसके ऊपर रख देंगे छलनी तो इस तरह की छलनी तो सबके घर में होती ही है तो क्या करना है छलनी लेनी है और इस तरह जो तरबूज के एक पीस है उसे लेके इस तरह उसके ऊपर घिसना है तो आप देख सकते हो कि इजीली इसका जूस निकल रहा है जो सीड्स है वो साइड में निकल रहे हैं और जो पल्प है उसका वो अच्छे से क्रश हो रहा है और नीचे हमें जूस मिल रहा है तो इस तरह सारे पीसीस को हमें घिसना है और जूस निकाल लेना है तो है ना बहुत ही बढ़िया ट्रिक तो ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ फटाफट से खाली दो से तीन मिनट में मैंने सारा जूस निकाल लिया है और इसके अंदर बिल्कुल भी सीड्स नहीं है जो सीड्स हैं वो सारे छलने में रह गए हैं तो इस तरह आप जूस बनाओगे तो आपका भी जूस फटाफट से बन जाएगा अब क्या करना है जूस के अंदर आप कुछ डालना चाहो तो ठीक है अगर आपका जो तरबूज है वो मीठा है तो कुछ डालने की भी जरूरत नहीं है खाली एक ग्लास लेंगे दो से तीन डाल देंगे आइस क्यूब और डाल देंगे ये जूस हमने जो बनाया है वो तो ये देखिए वाटरमेलन जूस एकदम रेडी है तो आपको आज की ट्रिक कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना ओके बाय जय श्री कृष्ण